भाई एक मेजर रोल प्ले करता है चेनल्यूप। चेनल्यूप क्या मेजर रोल प्ले करता है कि भाई कल होता है वो ट्विस्ट होने से या रोटेट होने से बच सकते हो, इंजरी होने से बच सकते हो अगर हेल्प। और अगर आप सपोज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भाई सिर्फ और सिर्फ जो आप एक्सीडेंट से क्या इन्वॉल्वमेंट है, एक्सीडेंट से इन्वॉल्वमेंट ये है कि भाई सपोज अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भाई हमारा ये रहता है कि आपका, आपकी गाड़ी का और जो सामने आता है उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और इस शूज़ आप भाई नॉर्मल शूज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रेप्लिका आते हैं बहुत सारी इसके, वो जब आप गिरते हैं तो स्क्रैच लगने से, आपके हाथ पे स्क्रैच लगने से बचा सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे पहले हेलमेट की, हेलमेट आप कौन से ले सकते हैं। हेलमेट मेरे हिसाब से तो एग्जॉट लो, एमटी लो, काफ़ी सारे हेलमेट्स हैं, एजी वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हमेशा आप इसलिए रहेगा कि आप बाइक अपनी क्रैश होने से कैसे बचा सकते हैं। Yo, what's up guys? How are you all? I hope you all are good and doing wonderful, beautiful things in your life. So guys, आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यू ईयर्स की। वेलकम वेलकम टू माई न्यू व्यूअर्स जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो भाई जो भी फर्स्ट ऑल जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से बता दूँ भाई मैं आज का जो व्लॉग है वो किसके बारे में है। आज का जो व्लॉग जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बाइक के बारे में रहेगा। और बाइक के बारे में किस लिए रहेगा कि आप बाइक अपनी क्रैश होने से कैसे बचा सकते हैं, तो वो ही मैं सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा, उसमें आप बचा सकते हैं अपनी बाइक। तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पॉइंट बताने से पहले ज़रूर आप सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हमेशा आप हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट के भी सब पॉइंट्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, गियर्स हैं। गियर्स के अंदर हम 3 पॉइंट्स लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हेलमेट, ग्लव्स एंड शूज़। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ शूज़ पहनो, लेकिन मैंने उस दिन शूज़ नहीं पहने थे। आप पूछ सोच रहे हो कि किस दिन, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा भाई एक छोटा सा क्रैश हो गया था, ठीक है। तो क्रैश होने के चक्कर में मेरी थोड़ा सा बोन डिसलोकेट हो गई है मेरी, ठीक है। तो गाइस वही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप ज़रूर जब भी स्टंटिंग करें, राइडिंग करें, हमेशा शूज़ पहने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेलमेट की। हेलमेट आप कौन से ले सकते हैं। हेलमेट काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं, 2,500, 3,000, 4,500, 6,000, 10,000, 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 150,000, 1,50,000 तक के हेलमेट आते हैं। तो आप हेलमेट अपनी पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं, आपकी जो पॉकेट अलाउ कर रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एग्जॉट लो, एमटी लो, काफ़ी सारे हेलमेट्स हैं, एजीवी वगैरह के, K1 के भी हेलमेट आ रहे हैं, 8,000-9,000 रुपये तक के हेलमेट आ जाते हैं। तो ये हुई हेलमेट की बात है। अब रहते हैं ग्लव्स की बात पे। ग्लव्स हम कौन कौन से ले सकते हैं। ग्लव्स भाई आप ग्लव्स बहुत सारे प्रो बाइकर्स के भी ग्लव्स आते हैं, ठीक है। स्कूको के ग्लव्स आते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। 650, 700, 800, 250, 300 रुपये के ग्लव्स आते हैं, वो जब आप गिरते हैं तो स्क्रैच लगने से, आपके हाथ पे स्क्रैच लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ शूज़ की। शूज़ आप भाई शूज़ भी काफ़ी सारे महंगे आते हैं, कम से 8,000, 9,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक के शू बाइकिंग शूज़ आते हैं। तो अब भाई शूज़ आप कौन से ले सकते हो। शूज़ आप भाई नॉर्मल शूज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रेप्लिका आते हैं बहुत सारी इसके, नाइकी के, एडिडास के, मोटर शूज़ जिनके होते हैं, तो भाई आप बाइकिंग के टाइम वो शूज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई बहुत मतलब क्रैश अगर सपोज होते हो तो ये क्या होता है आपके एंकल वैंकल रगड़ने के, और जो शूज़ जो आपके फुट एंकल होता है वो ट्विस्ट होने से या रोटेट होने से बच सकते हो, इंजरी होने से बच सकते हो अगर हेलमेट भी पहना है और आपने शूज़ भी पहने हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आप उस सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट भाई हम लेते हैं चेन ल्यूब को। भाई चेन ल्यूब आप सोचोगे तो ये छोटा सा पार्ट है। भाई चेन ल्यूब ये है कि आप भाई एक मेजर रोल प्ले करता है चेन ल्यूब। चेन ल्यूब क्या मेजर रोल प्ले करता है कि भाई आप जो चेन ल्यूब होते हैं चेन पे ही सारी पूरी बाइक रोटेट कर रही होती है, जो स्प्रॉकेट होता है, अगर वो चेन लूज़ हो जाएगी तो चेन उतर जाएगी, टाइट होगी तो चेन टूट सकती है। तो हमेशा अपनी चेन ल्यूब आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं चेन ल्यूब करना। चेन ल्यूब के भी काफ़ी सारे सस्ते प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है।
कि भाई एक तो सबसे पहले तो आप ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस ग्रीस कैसे मिल सकती है, ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, 20-30 रुपये का पैकेट आता है, घर पे ग्रीस कर लें, अपने चेन पे पूरे पे ग्रीस लगा सकते हैं। सेकंड थिंग 80-90 रुपये का TVS के ल्यूब आते हैं, स्प्रे आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। मोटुल के भी आते हैं, मोटुल के चेन ल्यूब और चेन स्प्रे आता है, ठीक है, चेन क्लीनर और चेन ल्यूब आते हैं, वो आप यूज़ सकते हो, 250-350 रुपये तक का आती है बॉटलों पूरी, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप घर पे कर सकते हो। और एक और चीज़ भाई, व्लॉगर एक हमारे यहाँ के सुपर व्लॉगर है, उसने घर पे ही अपना एक व्लॉग बनाया था कि भाई आप घर पे रह के कैसे आप चेन ल्यूब कर सकते हो, तो वो मेरा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो आराम से, ठीक है, आप देखो घर पे कैसे ल्यूब करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है भाई, चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और चेन मतलब आपको पता ही यार, पूरी गाड़ी चेन पे चल रही है, तो भाई वो उसको तो सेफ रखोगे ना, तो आप बच सकते हो एक्सीडेंट्स होने से, ठीक है। चेन ब्रेक, चेन के बाद अब आते हैं आप ब्रेक पैड्स। भाई ब्रेक पैड्स अगर आपके सही नहीं होंगे तो कैसे चलाओगे, ब्रेक पैड भाई कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, लेट ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये क्या होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रेक कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप ब्रेक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपके आपके डिस्क पैड जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो भाई सर्विस का वेट मत करो ब्रेक पैड्स का, आप पहले ही ब्रेक पैड्स अपने चेक कर लो, घर पे चेक कर सो आराम से। अगर आप डिस्क प्लेट के पास जाके देखोगे, थोड़ा सा ऐसे स्लांट में देखोगे जैसे डिस्क प्लेट है, अगर आप ऐसे देखोगे तो उसके पैड यहाँ से दिख जाएंगे दोनों इसके अटैच करे हुए। अगर नहीं है तो प्लीज़ जाके चेंज करा लो, क्योंकि बारिश के टाइम में अगर मेटल से मेटल टकराएगा तो ब्रेक नहीं लगेगी, तो हो सकता है आप स्लिप हो जाओ और एक मेजर एक्सीडेंट पा लो। तो भाई अब हम आते हैं इसके एक फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस के सब पॉइंट टू, देर आर टू सब पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के दो सब पॉइंट्स हैं, जो कि पहला इंश्योरेंस का पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भाई हमारा ये रहता है कि आपका, आपकी गाड़ी का और जो सामने आता है उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और इसमें थेफ्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका, आपकी गाड़ी का और जो आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है उनका इंश्योरेंस होता है, और इसमें थेफ्ट भी इंक्लूड है। थेफ्ट का मतलब जो आपकी गाड़ी सपोज चोरी हो जाती है, जैसे मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, तो उसमें आपका थेफ्ट का इंक्लूड होता है। तो इससे आप अपनी बाइक चोरी होने से बचा सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोच रहे हो कि इसका एक्सीडेंट से क्या इन्वॉल्वमेंट है, एक्सीडेंट से इन्वॉल्वमेंट ये है कि भाई सपोज अगर आप गिर जाते हो बाइक के स्टंटिंग करते टाइम, राइडिंग करते टाइम, तो आप बच सकते हो, आप बच सकते हो। आप बच कैसे सकते हो कि भाई अगर सपोज आपको चोट लगी, तो अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपका इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होता है, तो आपको फर्स्ट एड मिल जाएगा, समझ रहे हो भाई, ये है। और अगर आप सपोज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बाइक के सामने आता है, कार के सामने आता है, सिर्फ उसको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरेंस। तो भाई ज़रूर जाके इंश्योरेंस करवाओ, और अपने फैमिली मेम्बर्स वालों को भी ज़रूर बताओ कि भाई इंश्योरेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर उन्हें नहीं समझ में आता है तो भाई मेरे को, मेरी फ़ोन पर बात करा दो, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो दिखा दो, वीडियो से बहुत हद तक समझ जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अगर हम अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट है, अपने लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि सर्विस। सर्विस क्यों बोल रहा हूँ मैं, सर्विस किसकी बोल रहा हूँ, सर्विस बोल रहा हूँ बाइक की। अगर भाई अगर सर्विस आप करा रहे हो टाइम टू टाइम, आपकी गाड़ी की फिटनेस अच्छी है, तो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस सही नहीं है, अगर आपने अच्छे मैकेनिक से काम नहीं करवाया है, तो भाई आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हो, कहीं पे भी मतलब किसी भी जगह पे खड़े हो सकते हो। इसलिए भाई अपनी बाइक का चेकअप हमेशा करवाओ, अगर कहीं निकल रहे हो राइड पे या कभी स्टंटिंग करने आ रहे हो तब भी। तो हमेशा सर्विस अपनी टाइम से थोड़ी सी पहले करवा लो, जिससे आपकी परेशानियाँ कम हो सके, आपके एक्सीडेंट्स कम हो सके, और आप सिक्योर चल सको माइंड फ्रेश होकर, ठीक है। तो गाइस आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो गाइस, तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो गाइस लव यू। और ऐसे मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, अब रिव्यूज़ में लेके आऊँगा थोड़े थोड़े, जैसे मेरा पैर ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद एक ब्लॉग आने वाला है मेरे पैर का, कि मैं कैसे रहा मेरा दिन, ये एक हफ़्ता मैंने कैसे गुजारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा घर पर। और तो और रिव्यूज़ जो मैं बता दूँ, थोड़े बहुत जो रिव्यूज़ आने वाले हैं, नई BS6 बाइक्स के बारे में आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बाइक है और एक नई बाइक है अपनी, ओल्ड विंटेज स्टाइल, थोड़ी विंटेज लुक है उसकी, तो उसके बारे में ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो भाई अगर वो ब्लॉग्स देखने हैं आपको, तो फटाफट से जाके बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, राइट कॉर्नर में छोटा सा लोगो आ रहा है, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आप अपकमिंग वीडियोस देख सको, लाइक कर सको और अपने दोस्तों को बता सको कि भाई ये वीडियो में, इस बाइक में ये चीज़ है, ये चीज़ आप ले सकते हो। तो मैं पूरी डिटेल खुल के बताता हूँ, करीबन 13-14 मिनट का मेरा ब्लॉग होता है ये,
ठीक है, तो कीप ऑन शेयरिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।